बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए मर्दाना ताकत का ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपका अज़ू ख़ास मोटा और सख्त हो जाएगा। अज़ू ख़ास की रगों में खून का बहाव तेज़ हो जाएगा। बचपन की गलत कारियों से अज़ू ख़ास की नसों के अंदर जो कमज़ोरी आ जाती है, वह कमज़ोरी मकम्मल तौर पर ख़त्म होकर आपका अज़ू ख़ास पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। इसके अंदर ढीलापन और लागतपन बिल्कुल नहीं आएगा। वीडियो बड़ी मुखसर है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर इस वीडियो को आप देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस नुस्खे के 2 अज्जा हैं। पहला जुज असगंधा गोरी है। ये कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो ना सिर्फ मर्दाना सलाहियत में इजाफा करते हैं बल्कि जिस्म की नशोनुमा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ज़फ़े बा के लिए और मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए असगंध से बेहतर कोई और दूसरी चीज़ नहीं। असगंध के इस्तेमाल से मर्दाना ताकत में जितना इजाफा होता है, इतना इजाफा शायद ही कोई देसी दवाई करती हो। असगंध को अश्वागंधा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा। इसके इस्तेमाल से आदमी के अंदर वाकई घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। इस नुस्खे का दूसरा जुज तबाशीर है। तबाशीर एक दरख्त की गूंद है। इसका जायका कदर तेज़ होता है। पानी में डालने से यह हल हो जाती है। तबाशीर का मिजाज सर्द और खुशक है। तबाशीर मेदे और जिगर को तकवीत देती है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करती है। तबाशीर बाजार में 2 नंबर भी मिलती है। आपने जब भी तबाशीर को ख़रीदना है तो इसे पहले चेक कर लेना है। इसका तरीकाकार यह है कि आप जब इसको अपने मुँह में रखेंगे तो आपको चुभन सी महसूस होगी, जबकि 2 नंबर तबाशीर को मुँह में रखने से किसी किस्म की चुभन का कोई एहसास नहीं होता। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने 3 तोला असगंध लेनी है और 1 तोला आपने तबाशीर लेनी है। इनको अलग-अलग ब्रीक करें, इकट्ठे ब्रीक मत करें क्योंकि तबाशीर गूंद है और ये चिमड़ जाती है। इसलिए इसको अलग से ब्रीक करें और फिर इन दोनों को मिक्स कर दें। रोज़ाना आधी चम्मच दूध के साथ नाश्ते के साथ आप इस्तेमाल कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको मुकम्मल शफा मिल जाएगी, आपकी मर्दाना कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।